नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस द्वारा जिला प्रमुख से लेकर प्रधान तक संभावित दावेदारों के आधार पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कुछ जगह भाजपा व कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से बगावत के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। जिला प्रमुख की सीट इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने से जिला प्रमुख के लिए दोनों ही दलों से दो दो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिनके जिला प्रमुख बनने की चर्चा है। जिला परिषद की वार्ड 5 से कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर की पत्नी सूरज देवी ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि उनके सामने भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी की पत्नी शशि देवी ने नामांकन भरा है। दोनों ही प्रत्याशियों के जिला प्रमुख का दावेदार होने की चर्चा है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? सब अच्छा, बहुत अच्छा। सबकी यही है। इसी तरह कांग्रेस के महेश प्रताप सिंह लखावत की पत्नी अंजू कुंवर भी मैदान में है, जबकि बिनोल पूर्व सरपंच सोहनी देवी गुंजल ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। हार जीत के परिणाम के आधार पर इन्हें भी जिला प्रमुख का मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि राजसमंद व रेलमगरा में प्रधान की सीट सामान्य है, जबकि कुंभलगढ़ व देवगढ़ सामान्य महिला, भीम में ओबीसी, आमेठ में ओबीसी महिला, देलवाड़ा में एसटी महिला व खमनौर में एससी का प्रधान बनेगा। इसी आधार पर भाजपा व कांग्रेस द्वारा प्रत्येक वार्ड से प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। नाथद्वारा व कुंभलगढ़ पंचायत समिति में भाजपा से टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। लावासदरगढ़ सरपंच प्रवीण मेवाड़ा, साकरडा सरपंच सुखलाल गुजर सहित समर्थकों के साथ आमेठ प्रधान पति अनूप सिंह चुंडावत ने कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ पर कार्यकर्ता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए भाजपा से बगावत कर निर्दलीय के रूप में नामांकन भर दिए। आमेठ पंचायत समिति में आधा दर्जन निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन भरकर भाजपा को चुनौती दे दी है। माननीय स्थानीय विधायक महोदय से नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से हम नाराज नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व से हम नाराज नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायक महोदय सदैव पार्टी में उभरते हुए कार्यकर्ताओं को काटना चाहते हैं। पूर्व में जिस तरीके से नगरपालिका में बोर्ड बना कांग्रेस का, नगरपालिका में जो आज कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता थे। को राष्ट्रीय नेतृत्व को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर आपने नेतृत्व नहीं बदला तो यही दुर्दशा विधानसभा में होगी और इसके जिम्मेदार मात्र न मात्र यहाँ के विधायक होंगे, न कि पार्टी। विधायक महोदय की अड़ियल रवैये के कारण, उनके हठधर्मिता के कारण ये आज भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा विशाल परिवार है वो टूटता जा रहा है और आने वाले समय में मेरे को पूरा विश्वास है कि कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी पूरी बिखर जाएगी और इसी तरीके से जिस तरीके से आज आमेठ में स्थिति हुई है उसी तरीके कुंभलगढ़ में भी हुई है। और कुंभलगढ़ में भी पूर्व नेता माननीय नाथूलाल जी गुर्जर, निर्वेश सिंह जी, कमला जी और बहुत सारे नेता नाराज हैं और इस प्रधान के चुनाव के बाद में और देखना आप मीडिया के सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की यह दुर्दशा करने वाला एक न एकमात्र नेता माननीय विधायक यहाँ के सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। जिस तरीके से नगरपालिका इलेक्शन में 45 साल बाद कांग्रेस का वोट बना है उसी तरीके से पिछले 25 सालों से बीजेपी का राज है, वहाँ पे इस बार कांग्रेस का प्रधान बैठेगा। जिस तरीके से जनता का सहयोग हमें मिल रहा है, जिस तरीके का जोश और उमंग हमारे कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, इससे हमें उम्मीद है कि हम 100% कांग्रेस का प्रधान बनाएंगे और बहुत अच्छी सीटों के साथ हम ये वोट बनाएंगे। इसी तरह नाथद्वारा में भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक कल्याण सिंह चौहान के पुत्र वैभव राज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर ने उनका अभिनंदन किया और उठाड़ा से सदस्य का प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस तरह राजनीतिक दलों में अंतर्कलह शुरू हो गया है। नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी के आने के बाद नाराज कार्यकर्ताओं को भी एकजुट कर लिया गया। अब कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवीनंदन गुर्जर की प्रतिष्ठा दांव पर लग रही है। इधर भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज सेवंत्री निवासी कांता तिवारी ने कुंभलगढ़ पंचायत समिति में निर्दलीय के रूप में नामांकन भर दिया। साथ ही पूर्व विधायक पर मनमानी व अनदेखी का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़कर आमेठ नगरपालिका अध्यक्ष बने कैलाश मेवाड़ा ने भी भाजपा को चुनौती दी है कि आमेठ में इस बार कांग्रेस का ही प्रधान बनेगा। आमेठ में विधायक राठौड़ की अनुपस्थिति को लेकर भी लोगों में काफी चर्चा रही। उसके बाद में सुरेंद्र सिंह जी ने तो हमारे किसी कार्यकर्ता का केलवाड़ा जाने के बाद में फोन उठाया,
ने किसी से बात की, सेवंत्री पंचायत के किसी भी कार्यकर्ता से बातचीत नहीं की, और मात्र उम्रवास पंचायत से जिनको उनको टिकट देना था उसी आदमी को बुलाकर पर्व सिंह जी जो पूर्व सरपंच है उनके भाई के बहू को सिंबल और उनको डायरेक्ट टिकट दे दिया गया। और हमारे को विधायक साहब की हठधर्मिता एवं इस तरह की कार्यशैली से ये सीट वार्ड नंबर एक जो सेवंत्री हॉट सीट है उसमें ये हालात रहेंगे तो त्रिकोण संघर्ष पैदा कर दिया। इंद्र सिंह जी राठौर ने किया है वो हमें बहुत दुख की बात है। ओम सिंह जी मतलब कांता बहन के साथ में चुनाव कराने के लिए तैयार है, पूरे सब कार्यकर्ता इसी साथ हम साथ में रह करके उनको अधिक से अधिक वोटों से जिताएंगे। हम सुरेंद्र सिंह जी ने हमारी अनदेखी की टिकट देने में, उससे हम सभी नाराजगी है हमारे गाँव वासियों में। उसके उपरांत हमने जो फार्म भरा है और निर्दलीय भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ने को उत्सुक है तथा लड़ेंगे। भीम क्षेत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में भीम पंचायत समिति में कांग्रेस से 17 व देवगढ़ में 25 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। इसी तरह भाजपा की ओर से पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के निर्देशन में भीम और देवगढ़ में नामांकन भरे गए। तेरापंथ युवक परिषद द्वारा केलवा में साध्वी डॉक्टर संपूर्ण यशा के सानिध्य में दीपावली पूजन कार्यशाला आयोजित हुई। नमस्कार महामंत्र से शुरू हुए कार्यक्रम में ते युवा सदस्यों ने विजय गीत का संगान किया, जबकि देवीलाल कोठारी द्वारा श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन किया गया। विनोद बड़ाला व मुकेश कोठारी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजन विधि के बारे में बताया गया। ते यूपी अध्यक्ष मुकेश कोठारी ने स्वागत उद्बोधन दिया। साध्वी समर प्रभा व साध्वी मौलिक प्रभा ने गीतिका प्रस्तुत की। तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्ष बिंदिया सांकला ने भी पूजन विधि के बारे में बताया। इस अवसर पर ऋषभ मेहता, बाबूलाल कोठारी, ललित मेहता, लक्की कोठारी, सुनील कोठारी, गणेश सांकला, धर्मचंद कोठारी, प्रकाश बोहरा आदि मौजूद थे। आर्ट ऑफ लिविंग मोलिला के हर घर दीपावली अभियान के तहत भानुजा गांव में बामाशा की मदद से राशन सामग्री, मिठाई व पूजा सामग्री दीपक के 48 दीपावली किट वितरित किए गए। प्रवक्ता कैलाश प्रजापत ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों को 200 ड्रेस, खिलौने, जूते, मोजे, चप्पल, ऊनी कपड़े भी दिए गए। इस अवसर पर दिनेश चंद्र सोनी, प्रवीण सनाड्य, तरुण कोठारी, नारायण प्रजापत, किशन बल्ला, नानालाल तेली, ललित जैन, किशन खटीक, विनोद पालीवाल आदि उपस्थित थे। राजसमंद जिले में 9 नवंबर को दिन भर में 20 नए कोरोना पॉजिटिव आए। सीएमएचओ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि राजसमंद शहर में 5 पॉजिटिव आए। इसी तरह नाथद्वारा शहर में 5, देवगढ़ में 4, भीम में 5 व रेलमगरा में 1 पॉजिटिव पाया गया। सभी को होम आइसोलेट करते हुए संपर्क हिस्ट्री वाले संदिग्ध लोगों की कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की प्री MDRT मीट होटल जस्ता नाथद्वारा में हुई। इसमें राजसमंद शाखा कार्यालय से उत्कृष्ट बीमा व्यवसाय करने पर ममता आर्य पत्नी सत्य प्रकाश का ट्रॉफी देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर रीजनल मैनेजर रोहित जायसवाल, शाखा प्रबंधक सुनील चेचाणी, विकास अधिकारी योगेश कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।